वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की पाठशाला में प्यारे बच्चों, हम ये समझने का प्रयास करेंगे और हम आपके लिए लेकर के आए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इट इज अ स्पेशल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फॉर 10th एंड 11th क्लास। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज है वर्क इज वॉरशिप। ठीक, कर्म ही क्या है, पूजा है। इसलिए आप सभी प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए, ये ठीक है, ये मेरी ट्रेडिशनल क्लास का एमसीक्यू सीरीज है और इस एमसीक्यू सीरीज से आपको पूरे जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो पूरा सिस्टम से रिलेटेड है और आगे जितने और भी चीजें हैं तो इसमें पूरा सिस्टम है, जेनेटिक है और भी बहुत सारी चीजें विद एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं। एमसीक्यू तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और काफी एनालाइज करने के बाद ये मैंने सीरीज बनाई थी। चलिए, तो हम आपको बताते चलेंगे कौन कौन सा कहां कहां से क्वेश्चन आया है और कैसे कैसे इसका आंसर होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य अग्नाशय में बनता है। देखिए, मनुष्य अग्नाशय में बनने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन के अलावा भी हार्मोन होते हैं जो बनते हैं। ठीक, कभी कभी इसमें आता है कि बीटा सेल्स के द्वारा बनने वाला हार्मोन कौन होता है, तब भी हम लगाएंगे इंसुलिन। तो चाहे अग्नाशय से आए तब हम इंसुलिन लगाएंगे या बीटा सेल्स के द्वारा बनने वाला हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन होता है। कभी कभी अल्फा सेल से भी पूछा जाता है तब हम क्या लगाएंगे ग्लूकेगॉन लगाएंगे। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो जब हमने ये समझ लिया, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कहाँ से है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है पित्त रस का निर्माण होता है या स्त्रावण होता है। चाहे पित्त रस का निर्माण पूछा जाए चाहे स्त्रावण पूछा जाए, इसका आंसर हमेशा यकृत ही होता है। इसका आंसर हमेशा यकृत या लीवर होता है। ठीक, देखिए, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, एक और हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है जठर रस निकलता है या बनता है। जो जठर रस होता है वो जो निकलता है या बनता है वो बेसिकली स्टोमक से निकलता है और बनता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से बनता है। ठीक, तो ये आता है क्वेश्चन कि जठर रस किससे निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन अभी आपको आगे भी देखे, थोड़े क्वेश्चन आपको डाइजेशन से मिलेंगे। ठीक, डाइजेशन सीरीज चल रही है। आगे देखिए, कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम। देखिए, आपको घुमाएंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे अग्नाशय। ठीक, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कैसे होती है, यकृत। पाचक ग्रंथि क्यों, क्योंकि लीवर जो होता है वो डाइजेशन में सहायता करता है, इसलिए ऐसा पूछा गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात और भी याद रखिएगा, विटामिन ए डी ई के का संचय जो होता है वो भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक, उसके बाद बात करें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम होता है। तो मिल्क से रिएक्शन करने वाला एंजाइम जो होता है वो होता है रेनिन। वो क्या होता है, रेनिन। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि रेनिन से संबंधित है, ठीक है, तो आप मिल्क होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है रेनिन। ठीक, और ये आपको याद रखना है। ठीक,
आगे देखिए, कह रहा है अपूर्णता रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है। देखिए विटामिन की कमी से क्या हो जाती है, अपूर्णता हो जाती है, किसी न किसी तरीके की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन की कमी से कई सारी अपूर्णता हो जाती है, ए की कमी से कुछ होती है, कुछ डी की कमी से होती है, ई की कमी से होती है, के की कमी से होती है। ए की कमी से होगी तो आंख से रिलेटेड होगा, डी की कमी से होगी हड्डी से रिलेटेड होगा, ई से है तो क्या होता क्या कहते हैं जितना बांझपन है, और के से रिलेटेड अगर होगा तो उसमें क्या होगा ब्लड से रिलेटेड होता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और ये जो सिस्टम से आया क्वेश्चन है ये उत्सर्जन तंत्र से आया क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अमोनिया से यूरिया का परिवर्तन कहां होता है, यकृत से। अब देखिए यकृत से आपको कितने सारे क्वेश्चन, एक तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, विटामिन ए डी ई के का संचय करती है, और यकृत क्या करती है यूरिया का फॉर्मेशन भी करती है, और अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन भी यकृत करती है, तो लीवर के इतने सारे फंक्शन होते हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ट्रिप्सिन, ठीक, पूछेगा ट्रिप्सिन पाया जाता है या ट्रिप्सिन होता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या होता है पेनक्रिएटिक जूस होता है या अग्नाशय रस होता है। तो अग्नाशय ग्लैंड से निकलने वाला है, पेनक्रिएटिक ग्लैंड से निकलने वाला एक जूस होता है, और उस जूस में ट्रिप्सिन की भी मात्रा पाई जाती है, इतनी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक। आगे बताएं, कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से भी क्वेश्चन, देंगे चार प्रकार की ग्रंथियां देंगे और उसमें पूछेंगे कि वो आपको उस समय जब जो ऑप्शन दिए होते हैं उससे आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक। तो उसमें कोई भी जठर ग्रंथि नहीं है, तो उसमें जठर ग्रंथि कौन सी होती है, जठर ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो पेनक्रिएटिक ग्लैंड होती है, उससे क्या बोलते हैं जठर ग्रंथि होते हैं, और उससे निकलने वाला जो क्या कहते हैं रस होता है वो क्या अग्नाशय रस होता है, पेनक्रिएटिक जूस होता है जिसमें ट्रिप्सिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो जरूरी नहीं कि लार ग्रंथि हो सकता, उसके रेफरेंस में कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, तो जो होती है वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए कृमि रूप परिशेषिका, देखिए कृमि रूप परिशेषिका का इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। देखिए एक तो कृमि रूप परिशेषिका अगर इवोल्यूशन से आता है तो ये पूछेगा कि कैसा अंग है अवशेषी अंग, देखो यहाँ पे पहले लिखा तो कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वजों में पाया जाता है, जो अभी हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन इसका कोई डिफाइनेबल कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ये भाग किसका होता है, बेसिकली छोटी आंत का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कृमि रूप परिशेषिका का जो सबसे पहले ऑपरेशन हुआ था वो इंडिया में वो थे बिग बी अमिताभ बच्चन, ठीक, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक। तो कृमि रूप परिशेषिका जिसे वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स बोलते हैं, इट इज अ बैक्टीरियल ऑर्गन एंड इट इज फाउंड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अब देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आके देखिए हम इसको सीरीज को पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, विद थ्योरी। देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन में क्या देखिए क्या O2 तथा CO2 का परिवहन, O2 तथा CO2 का परिवर्तन कैसे करते हैं, जब ये O2 से मिलते हैं, ठीक, ब्लड हीमोग्लोबिन बनेगा तो क्या बनाता है, HbO2 बनाता है, मेरे प्यारे बच्चों HbO2 बनाता है। ये जो HbO2 होता है, ये जो HbO2 है क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, राइट। और अगर ये CO2 से करता है तो HbCO2 बनाता है, और HbCO2 बनाता है इसे क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सेल टू सेल, ऑर्गन टू ऑर्गन क्या करता है ये, एंड सिस्टम टू सिस्टम ये क्या करता है O2 और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धमनी होती है, तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, जो धमनी होती है वो थोड़ा मोटी भित्ति वाली होती है, ठीक है, जो शिराएं होती हैं पतली भित्ति वाली होती हैं, ठीक, और जो धमनी होती हैं उनमें क्या होते हैं कोई भी कपाट कोई भी सेप्टम नहीं पाए जाते, कोई भी सेप्टम नहीं पाए जाते, धमनी की विशेषता होती है, ठीक, मोटी भित्ति वाली होती है। तो तुम्हें क्या कहेंगे कि इसको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगी, ठीक है, और इसकी क्या विशेषता होती है, मोटी भित्ति वाली होंगी और कपाट विहीन होती है, ठीक। आगे देखिए
कह रहा है दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। देखिए कल ही मैंने आपको अगर याद हो, जिससे जिन जिन बच्चों ने ये सीरीज कल की देखी हो कि उसमें आप मैंने बताया था कि दाएं नीले से राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ आता है लंग्स में। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए वेंट्रिकल को वीन से आप लोग याद रखा करिए और वीन्स में क्या होता है, वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है जो लंग्स में जाएगा। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग याद रखें। आर्टरी जो होता है शुद्ध रक्त होता है, एक एक्सेप्शन होता है, वो जब हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे तब पढ़ाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा आपसे पूछा जाएगा, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि शरीर में आए हुए बैक्टीरिया को कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट करती है। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, WBC और लिम्फोसाइट और कुछ फैगोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे एंटीजन और फैक्टर को क्या करती हैं, शरीर से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमने सारी डिटेल में बता दिया कि बहुत सारे क्या फैगोसाइट्स होंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होंगे और WBC, ये क्या करते हैं शरीर से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बेसिकली जो वायरस हो गए या बैक्टीरिया हो गए उनको नष्ट जो करता है वो WBC करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, रक्त वर्ग की खोज की थी, देखिए कार्ल लैंड स्टीनर तथा एवी वीनर ने क्या की थी, रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, AB, BO, ठीक, ये जो होते हैं रक्त समूह होते हैं। ठीक, इतनी बात समझने के बाद आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, ठीक, थ्रोम्बिन, हो सकता है कभी कभी आपको पोटेशियम आयन के बारे में भी पूछ लें तो वो भी आप याद रखोगे। अगर ये क्वेश्चन, अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं है तो आपके आयन के बारे में भी विचार करेंगे। ठीक, तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक, और एक और बात समझ लीजिए, जैसे विटामिन के की कमी अगर हो जाती है तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के रेफरेंस में भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। कभी कभी पूछा जाता है कि रुधिर दाब का मापक होता है स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें 110/80, ठीक, ये इसका डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक क्या होता है, प्रेशर होता है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर होता है, स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, जब डायस्टोलिक सिस्टोलिक आता है तो आप लोग हार्ट बीट को भी, अगर जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं रोज वो समझेंगे, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो क्या करेंगी, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, ठीक है, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, यानी कि वो किसी ना किसी उद्दीपन के प्रति क्या करती, क्रियाएं करती हैं, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है पलक का झपकना। ठीक, ये बात याद रखेंगे, जो क्या होती है ANS के द्वारा रेगुलेट होती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, अब इसमें पूछा है फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, ठीक, और भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वैसे बताएंगे। ठीक, मैंने दोनों ही हार्मोन आपको बता दिए हैं, आप इसे AP से भी याद कर सकते हो, आपका मतलब क्या होता है AP। ठीक, आगे बढ़िए, अगर आगे बात करें, कह रहा है वृद्धि मानसिक विकास तथा ऊतक विभेदन का नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है, तो देखिए वृद्धि ग्रोथ प्रमोटर, देखिए हार्मोन जो होते हैं, देयर इज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन रेफरेंस टू बी वी कैन से डेट, चाहे एनिमल की बात करें चाहे प्लांट के रेफरेंस में, दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबेटर। ठीक, तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स अब अलग अलग होते हैं, प्लांट्स में अलग होते हैं और एनिमल में अलग होते हैं। ठीक,
अगर बात इसमें किसमें की गई है, देखिए वृद्धि मानसिक विकास या उत्तक विभेदन का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। ठीक, अब यहाँ पे थायरोक्सिन दिया है, हमें नहीं पता कि कौन सी हमने किस सीरीज को देख करके बनाया था। देखिए अगर ये एनिमल के रेफरेंस में तो थायरोक्सिन होगा, ठीक है, जो क्या करता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। अगर इसी जगह हम प्लांट के रेफरेंस में बात करें तो ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन AGC क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नर्वस सिस्टम चल रहा है इसमें और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है कि मास्टर ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसके कई नाम होते हैं, क्यों, क्योंकि कई सारे हार्मोन का रेगुलेशन जो ये करती है पीयूष ग्रंथि करती है, इसीलिए इसे पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इस कारण, क्योंकि ये कई सारे हार्मोन का सेक्रेशन करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो इतनी बात आप लोग लिखेंगे, कह रहा है कि अकस्मात सक्रिय होने वाला हार्मोन, देखिए कई तरीके से पूछा जाता है, अचानक से सेक्रेट होने वाला हार्मोन, उड़ो उड़ा हार्मोन, फ्लाइटिंग हार्मोन, ठीक, बहुत सारे हार्मोन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है तो उस समय उत्तेजित होने वाला हार्मोन कौन सा होगा, डेट इज एड्रीनेलिन। ठीक, एड्रीनेलिन किडनी के, ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट से सेक्रीशन होता है, एड्रीनो कॉर्टेक्स पार्ट से सेक्रीशन होता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। ठीक, इसे अकस्मात हार्मोन भी कहते हैं, ठीक, उड़ो उड़ाओ हार्मोन, फ्लाइटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए मेंडलिज्म पे आ गए हम लोग, कह रहे मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम के लिए किस पौधे का चयन किया, देखिए मेंडल ने अनुवांशिकता, देखिए हम पढ़ा चुके हैं ये पूरी यूनिट और इसमें मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक, क्योंकि क्या होते हैं, वार्षिकीय होते हैं और इसमें क्या होता है, इनकी कई फसल एक साल में दो बार फसलें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरेशन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम इसे चुनते हैं। ठीक, मटर के पौधे को इसलिए उन्होंने चुना था, इनकी कई सारी जनरेशन, कलर, शेप, साइज का एक साथ अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए इन्होंने चुना। ठीक, और इसलिए इसको चुना गया। साथ ही साथ इसका जो हम ये कहें बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, मीठी मटर का, कभी कभी मीठी मटर भी कह देते हैं। ठीक, तो मीठी मटर का चयन किया था। जीन पाए जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर, एक थ्योरी याद रखना। ठीक, हमेशा जीन इज इक्वल टू डीएनए, डीएनए इज इक्वल टू प्रोटीन, प्रोटीन इज इक्वल टू एंजाइम। ठीक, तो जो जीन होते हैं वो हमेशा क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, तो जब भी जीन बात आएगी तो क्रोमोसोम हमेशा याद रखना, और इस थ्योरी से आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक, कहाँ कहाँ, सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस में, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक, टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में आपको ये काम आएगी। ठीक, तो इतनी बात याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, मनुष्य में ऑटोसोम होते हैं, जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो ऑटोसोम होते हैं वो वाइस होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, A1 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, कह रहे अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया का कार्य करती है, देखिए कोई भी जो डिसऑर्डर है, कोई भी डिसीज है, उसमें जो कैरियर का काम करती है वो क्या करती है, हमेशा डॉटर करती है, क्या करती है, डॉटर करती है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये 10th क्लास में भी कम्बाइंड है और 12th क्लास में भी ये कम्बाइंड होता है। ठीक, कह रहे लिंग संलग्न या लिंग डिस कैरेक्टर रोग नहीं होता है, तो लिंग संलग्न लक्षण जो होता है बेटा, लिंग संलग्न XY होते हैं और ये सिंड्रोमिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, तो इसमें कोई भी सिंड्रोम दे सकता है, क्लाइपेट्रस सिंड्रोम भी दे सकता है, डाउन सिंड्रोम भी दे सकता है या कोई अनदर सिंड्रोम भी दे सकता है। तो लिंग संलग्न लक्षण सिर्फ इतने ही होते हैं, कौन कौन से होंगे, एक्स होंगे, ठीक है, वाई होंगे या XY होंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करें, करें मेंडल ने किस नियम का अनुपात 9:3:3:1 होता है, तृतीय नियम होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट, यानी कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की इंटरनोड की वृद्धि करता है, बेटा ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें काफी कुछ पूछा जाता है कि कैसे क्या होता है, तो इसमें
देखिए कैसे इजी आता है, देखिए हम आपको बता दें, इंटरनोड की जब भी वृद्धि वाली बात आती है, ठीक है, इंटरनोड की वृद्धि बहुत ज्यादा पूछा है क्वेश्चन, इंटरनोड की जो वृद्धि करता है वो हमेशा क्या करता है, जिब्रेलिन करता है। जिब्रेलिन जो होता है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है, क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होगा। तो पौधों की लंबाई तने में वृद्धि करना, उसके इंटरनोड में वृद्धि करना क्या कहलाता, मतलब जो हार्मोन कहलाता है उसे क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़े, क्या फलों के पकाना किस हार्मोन, देखिए इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6, और एथाइलिन ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो फलों को पकाने के काम में आता है। ठीक, एक बात याद रहेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस पूछे, हो सकता है आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, ये तो कॉमन से क्वेश्चंस हैं। ठीक, पूछेगा जीवों की उत्पत्ति संबंधित मत है, तो जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सबसे अच्छा पुराना जो मत है वो है ओपरिन का, AI ओपरिन का, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन सी, देखिए ब्रदर्स कंपनी जो होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ब्रदर्स कंपनी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि विटामिन डी, ठीक, संबंधित है, तो विटामिन डी जब भी हम बोलेंगे हड्डी याद आएगा, ठीक, हड्डी संबंधित है, और इससे क्या आ जाता है, इसकी कमी से क्या आ जाता है, सूखा रो रिकेट्स हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा जीर्णता हो जाती है शरीर में, जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और ये धीरे धीरे क्या होती है कि जैसे लगता है कि झड़ने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कैरेक्टर इसमें होते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें विटामिन ए, जब भी विटामिन ए आए तो ए से आंख याद रखना, तो विटामिन ए याद रहेगा, ये आंख याद रखोगे तो आंख में पाई जाती है रेटिना, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, और कहां प्रभावित होता है, आंख को प्रभावित या रेटिना को प्रभावित करता है। उसके बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी मैंने आपको देखी सबसे पहले जब स्टार्ट किया था यहाँ पे, ये देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर की सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय के बारे में मैंने बताया था, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बारे में बताया था, ये लास्ट देखिए क्वेश्चन इसमें मेंशन भी कर दिया मैंने कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो अग्नाशय होती है। कभी कभी आपसे लार का पीएच मान भी पूछा जाता है, वो होता है 6.5, तो लार का पीएच 6.5 इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, तो जब ये रिएक्शन होती है बेसिकली, तो जब ये रिएक्शन होती है तो बेसिकली टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में 6.5 में होती है, तब ये प्रोसेसिंग डाइजेशन की जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो काम करता है। तो इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। ठीक, आई होप बेटा आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।